दोस्तों, मैं गुफरान मलिक, जिला अध्यक्ष जनता देश संगठन सहारनपुर। दोस्तों, संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू है और इस लॉकडाउन का लोगों से पालन कराने के लिए प्रशासन जद्दोजहद में लगी हुई है। कल पटियाला का एक वीडियो सामने आया जहां पर लॉकडाउन का पालन ना करने वाले लोगों को पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की। बाहर जा रहे थे और उनको लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा तो वहाँ पर पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला कर दिया गया और हमारे जाबाज पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया गया। दोस्तों, ये अपने आप में एक निंदाजनक घटना है कि आप लोगों को प्रशासन, आपको, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को, आपके खानदान को इस खतरनाक महामारी कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन आपको घर में रहने के लिए कह रही है और आप प्रशासन पर हमला कर रहे हो। उसी तरीके से एक वीडियो ये वायरस हुआ है, मैं बता रहा हूँ इसको, इसके बारे में वीडियो सेंड करने वाले ने, सोशल मीडिया के इस बेवकूफ़ इंसान ने वीडियो सेंड किया, लेकिन इसके बारे में ये नहीं लिखा है घटना है कहाँ की। चलिए, इस पर लिखा है बर्बरता की हदें पार, आप देखो समझो योगी, भाजपा और आरएसएस उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुसलमानों से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं, ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। इसमें वीडियो के अंदर पुलिस प्रशासन एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटती हुई दिखाई दे रही है बढ़िया स्तर पर, और इस वीडियो बनाने वाले ने ये इस पर मैटर बना के वीडियो के साथ शेयर कर दिया। अब ये नहीं शेयर किया इन्होंने कि कितनी बार प्रशासन ने इनको समझाया भी होगा, ये जब नहीं माने तो प्रशासन को सख्ती का प्रयोग करना पड़ा। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि मैं खुद अपने बहुत लोगों को समझा चुका हूँ, घरों में रहो, अपने घरों में रहो, मंडली बनाकर मत बैठो, घरों से बाहर निकल कर मत बैठो, बैठना ही है आपको घरों में बैठो अपने, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अब मैं कानून को अपने हाथ में तो ले नहीं सकता कि लाठी डंडा लेके चलाऊंगा, प्रशासन को ये पावर है, प्रशासन लाठी, बल्कि मैंने कल के बयान में सहारनपुर पुलिस कप्तान से ये मांग की थी कि इस महामारी को फैलने से भारत के अंदर रोकने का, यदि आपको लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गोली का प्रयोग भी करना पड़े तो कीजिएगा, उसके अंदर चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं लॉकडाउन का पालन नहीं करता हुआ दिखूं और मंडली बनाकर बाहर घूमता हुआ दिखूं या खड़ा हुआ दिखूं या बैठा हुआ दिखूं, मैंने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, अगर मेरे मर जाने से पूरा भारत सुरक्षित रह सकता हो तो वो मौत मेरी बेहतर है, हैं? अब ये लोग मानने को तैयार नहीं है प्रशासन, आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या, भारत सरकार और भारत की प्रशासन आप लोगों को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को, आपके खानदान को, आपको मिलने जाने को, आपके गांव को, आपके शहर को, आपके महल्ले को, आपके जिले को, आपके प्रदेश के, आपके देश को इस महामारी कोरोना वायरस से बचाने के लिए आपको लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रही है, अपने घरों में रहने के लिए कह रही है। आप उन पर हमला कर रहे हो जो लोग तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए सड़क पर अपनी जिंदगी खतरे में डाले हुए बैठे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग देखिए, कई जगह की घटनाएं तो ऐसी सामने आई है जहां पुलिस प्रशासन आपकी सेवा के लिए बाहर निकली हुई है और उन्हें कोरोना वायरस की चपेट में आना पड़ गया। कई जगह डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट हो गए, वो बेचारे जा चुके हैं दुनिया से, कई डॉक्टर्स जा चुके हैं। एक वीडियो आया है मेरे पास जौनपुर जेल से, वहां के जेल बाबू थे, उनको कोरोना वायरस हो गया है। मतलब जो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आपकी खिदमत, आपको बचाने के लिए इस कोरोना वायरस से लॉकडाउन का पालन कराने को सड़क पर उतरे हुए हैं और हर तरह के इंतजाम आप लोगों के लिए करने की तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग उन पर हमला कर रहे हो, उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हो। और ये मुस्लिम समाज के कुछ नौजवान ऐसे हैं जो सोशल मीडिया बैठकर सोशल मीडिया के ठेकेदार बन गए और लिखने का काम कर रहे हैं कि ये भाजपा आरएसएस प्रशासन के जरिए मुसलमानों से अपनी दुश्मनी निभा रही है। और दुश्मनी तो आप लोग निभा रहे हैं अपने परिवार से, अपने आप से, अपने रिश्तेदार से, अपने खानदान से, अपने अपने देश से, कि आप कोरोना वायरस को ना समझते हुए घरों से बाहर निकल रहे हो, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हो, इस कोरोना वायरस की महामारी को तुम पूरे देश के अंदर लाना चाहते हो। जितने भी लोग, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, किसी भी समाज से हो, जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो इस महामारी को देश के अंदर लाने के जिम्मेवार है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो।
किसी भी धर्म से हो, इसमें धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। महामारी आई हुई है सबके लिए, किसी एक विशेष वर्ग को नहीं बल्कि पूरे देश को अपनी चपेट में लेने का काम कर रही है। आप देश के दुश्मन हो, पुलिस आपकी दुश्मन नहीं, इस वक्त सरकार आपकी दुश्मन नहीं, जो लोग घरों से बाहर निकलकर लॉकडाउन के पालन को नहीं कर रहे वो लोग देश के दुश्मन है, अपने आप के दुश्मन है, अपने परिवार के दुश्मन है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर फालतू के मैसेज चलाने बंद कर दीजिएगा। तुम लोगों के खिलाफ FIR होती है, तुम जेल जाते हो तो फिर तुम इसे रुक देते हो कि मुसलमान पे जुल्म कर दिया। समझ में तुम्हारी कुछ नहीं आ रही, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि सऊदी अरब जैसे देश भी, पाकिस्तान जैसे देश भी, दुबई जैसे देश भी, जो मुस्लिम कंट्री हैं वो लॉकडाउन किए हुए हैं। तुम यहां अब तक इसी बात को कर रहे। अरे भैया इस चीज से कोई फायदा नहीं है, ये एक महामारी है, इसको जितनी जल्दी आप समझ ले उतना अच्छा है। देश के प्रशासन पर जो है फक्र कीजिए कि वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सड़क पर पड़ी है, जिंदगी मौत मौत के बीच में। कोरोना वायरस उनको भी लग सकता है लेकिन वो आपको बचा रहे हैं और आप उन्हीं को अपना दुश्मन बता रहे हैं, उन्हीं पर हमले कर रहे हैं। शर्म की बात है। पूरे भारत के खासकर मुसलमान से ये गुजारिश करता हूं कि अपने अपने घरों में कैद हो जाओ, कैद। ये मंडलियां बनाकर बाहर निकलना, गलियों में बैठना बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है इस कोरोना वायरस से। बस ध्यान में रखना। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।